अजमेर के किशनगढ़ में युवती से दोस्ती कर अवैध संबंध बनाने और अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपी युवक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई महीनों तक युवती से दुष्कर्म करता रहा। मामले में रोचक मोड़ तब आ गया जब इसका पता चलने के बाद युवती के मंगेतर ने युवक का अपहरण कर लिया और आरोपी के पिता से 3 लाख की फिरौती मांगी, जिसके बाद पिता ने अजमेर के टाडगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने मदनगंज थाना पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए आरोपी को काली डूंगरी स्थित होटल खालसा से मुक्त करा लिया। साथ ही पुलिस ने मौके से 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता और आरोपी के पिता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कंट्रोल रूम से इतना मिली कि आपके थाना क्षेत्र में कोई अपहरण हो गया और बस स्टैंड पर 3 लाख रुपये लेके बुलाए हैं। तो इस इतला पर हम जा रहे थे, तो इतने में श्रीमान एस पी साहब का फ़ोन आया, कोई तुम्हारे एरिया में से कोई अपहरण हो गया और वहाँ कोई बस स्टैंड पर मांग रहा था पहुँचे। फिर टाटगढ़ थाने में का एक फ़ोन आया कि इन्होंने बताया कि भाई इस नंबर से फ़ोन आ रहा है, इसको आप ट्रैकिंग करा लो और आपके एरिया में से कोई होटल में से किसी व्यक्ति का भी होंगे। तो हम बस स्टैंड पहुँचे, उस व्यक्ति का नाम पता पूछा और टाटगढ़ थाने में मुझे बताया, तो होटलों पर तलाश किया तो मुझे कहाँ काम करता है कहाँ है, तो इसकी लोकेशन है जो वहाँ काली डोंगरी के पास आई, तो थाना अधिकारी गांधीनगर को उधर रवाना किया गया तलाश करने के लिए। इतने पीछे पीछे हम भी चले गए वहाँ, तो वहाँ देखे तो तीनों ये है ना वहाँ बैठे हुए थे खेत पर, जिनको लेके आए वहाँ वृत्ताधिकारी महोदय के समक्ष और पूछताछ की, तो पता चला कि साहब इनके कोई रिलेशन थे उसकी पत्नी से, उसका गैलेक्सी होटल में गलत काम किया उसके साथ।